The Secret of Your Life by Professor Gurdeep Arora. इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, जिंदगी के जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्य जो के आपको खुद को भी नहीं पता होंगे और आपके भाग्य में मौजूद होंगे, आपकी कुंडली में मौजूद होंगे, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद होंगे, लेकिन आप खुद उनसे अनजान होंगे। कितनी अजीब बात है ना। दुनिया को जानने के लिए हम निकल पड़ते हैं, लेकिन जब अपनी बात आती है तो हमें कुछ पता ही नहीं होता। खैर, इसमें ये सिर्फ आपकी बात नहीं, ये मेरी बात भी है, ये सबकी बात है। और हमारे प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब हैं, वो अपने आप को एक विद्वान नहीं कहते, लेकिन मेरे हिसाब से जो इंसान खोज करता रहता है हर पल, कुछ ना कुछ उसके मन में ये रहता है कि मैं खोज करूं और जानूं और काम करूं ताकि सेवा का मौका और मिले, वो किसी विद्वान से कम भी नहीं होता। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए, जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जहां हम लड़खड़ा जाते हैं, और ये जो गलती होती है 99% जो होती है वो हमारी खुद की होती है, क्योंकि हम संभल सकते होते हैं लेकिन हम संभलते नहीं हैं। बहुत बार बातें करनी आसान है, आपको लगता है एक मंच है, उस पर कुर्सी है, कुर्सी पे सेट बना हुआ है, सेट के ऊपर बैठ के कुछ भी बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। प्रॉब्लम्स तो हर किसी की ज़िंदगी में आती है ना, तो मेरी ज़िंदगी में भी हैं, आपकी ज़िंदगी में भी हैं, लेकिन अगर कोशिश करनी छोड़ दी जाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं ना। तो आज हमने ज़िंदगी के बारे में बात करनी है, जनरल बात करनी है। नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, इन अपॉइंटमेंट नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। इन पे कॉल करके ज़िंदगी से जुड़ी हुई कोई भी किसी भी तरह की समस्या हो, प्रोफेसर साहब से के पास एक बार आइए, मिलिए और जानिए कि किस तरह से इसका हल निकल सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ों से हम डर जाते हैं, भाग जाते हैं। हमें भागना नहीं है, हमें सामना करना है। प्रोफेसर साहब के पास आने से ये होगा कि चीज़ें आपको आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि वो जड़ से कुछ उखाड़ के फेंक देंगे, हो सकता है ऐसा भी हो जाए, लेकिन हर अगर केस में ऐसा नहीं तो कम से कम वो आपको ऐसा सक्षम तो बना देंगे कि आप हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो अपनी जिंदगी में, आपको किसी की जरूरत ना पड़े, आप खुद से वो सोल्यूशन जो है वो आप लेके आए अपने जीवन में। तो फिर बात ये है कि प्रोफेसर साहब अब स्वागत कर लेते हैं, कुछ जनरल बातें आज उनसे करेंगे, कुछ ऐसी बातें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई जो कि आपके लिए भी जरूरी है और मेरे लिए भी। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। नमस्कार प्रोफेसर साहब। हम, मुझे ऐसा लगता है कि हम रोज़ रोज़ कुछ ऐसी गलतियां कर लेते हैं या उनको रिपीट कर लेते हैं जिनका असर जो है वो सीधा सीधा हमारे ग्रहों पे पड़ता है, हमारी कुंडली पे पड़ता है और ओवरऑल हमारे भाग्य पे पड़ता है, और हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या गलत कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि हमने तो आज तक किसी का बुरा किया नहीं, तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। बिल्कुल, आज आप वो बातें जानना चाहते हो जो किसी को पता ही नहीं लेकिन ग्रह खराब होते हैं, ये बातें जी। आज आप वो बात कर रहे हो कि हम सज लें, हम सवर लें, लेकिन हमारे ग्रह तो नहीं खराब हो रहे, हमें बताइए। ऐसी बातें पूरी दुनिया में किसी भी किताब में नहीं है, ये बात मैं थोक बजा के यहाँ पे बोलता हूँ। चलो बताता हूँ सबको, आँखों में कज्जल डालते हो ना, सूर्य खराब होता है। अब बताइए मुझे, पूरी दुनिया 90% लोग आँखों में काला कज्जल डालते हैं, उसके पीछे सूर्य ग्रह खराब होता है 100% होता है। इसके पीछे लॉजिक बता दूं? चलो लॉजिक तो बनता है, जब तक मैं वो बात नहीं बताऊंगा तो पता नहीं चलेगा। आंख होती है शुक्र ग्रह, शुक्र होती है स्त्री। स्त्री को जब काला दाग लगता है तो बदनामी किसकी होगी? पिता की। पिता होता है सूर्य, ये मैंने मोटा मोटा बता दिया। यानी कि पिता के लिए अच्छा नहीं होता जो लड़कियां काला कज्जल आंखों में डालती हैं। बताइए पुनीत जी, ऐसी बात सुनी थी आपने? जी, तो अब ये नहीं डालना चाहिए आंखों में। नहीं डालना चाहिए। तो वो जो इतनी पुरानी बातें, श्रृंगार की बातें, ये सब बातें, वो सब गलत है क्या? वो गाने जो बने हुए आंखों में काजल और ये सब जो है वो बिल्कुल सही है, लेकिन कम डालना चाहिए। आंखों में, आंखें जो काली कर लेते हैं उससे कलंक लगता है जी, इसलिए ज़्यादा कज्जल बिल्कुल भी डालना चाहिए। आंखों में कम, बिल्कुल लाइनिंग कम डालनी चाहिए। देखिए आज एक बहुत बड़ा बात का खुलासा हो गया। देखिए, सूर्य ग्रह आपने खराब कर लिया आंखों में ज़्यादा कज्जल डालने से,
सूर्य ग्रह पिता, पिता को बदनामी मिलेगी जब लड़की जब गलत हो जाती है, तो बदनामी किसकी होती है भाई बताइए मुझे, पिता की। इसलिए पिता को बदनामी मिलेगी, सूर्य खराब हो जाएगा जब आंखों में कज्जल डालोगे। तो ऐसी ही बातों का खुलासा करने वाला हूं आज मैं कि आप क्या करते हो अपने काम में, अपने ग्रहों को कैसे खराब करते हो। मान लीजिए हम बैठे बैठे नाखून चुभाने लगते हैं ऐसे ऐसे करके, तो इससे पता क्या होता है, शुक्र खराब होता है। राहु, ये जो नाखून होते हैं हमारे, ये राहु होते हैं। राहु कैसे होते हैं, पहले इसके पीछे भी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं भाई। ये जो हमारी हड्डियां होती हैं, हड्डियों मूवमेंट जो करती हैं, इसकी जो हड्डी वेस्टेज हड्डी होती है वो नाखून के द्वारा बाहर आती है। जितनी भी वेस्टेज होती है ये राहु होती है। अब आप बोलोगे ये जो बाल होते हैं, ये बाल वेस्टेज होते हैं, ये किसकी वेस्टेज होती है, दिमाग की वेस्टेज। जब मैं बोल रहा हूँ मेरा दिमाग की नाड़ियाँ काम ऐसे ऐसे पलक रही हैं या ऐसे ऐसे घिस रही हैं, तो उसकी जो वेस्टेज आ रही है वो बालों के द्वारा। ये जो बाल होते हैं ये वेस्टेज होती है हमारे दिमाग की। जितनी भी वेस्टेज होती है राहु होती है। अब आप बोलोगे बाल तो शनि होते हैं, अरे भाई वो काले होते हैं इसलिए शनि होते हैं। चलो इसके पीछे बाद में बात, पहले बता दूं पूरा रीज़न। जितनी भी वेस्टेज होती हैं ये राहु होती हैं नाखून। अब जब आप नाखून को मुंह में लेकर जाओगे, ये जो लिप्स होते हैं ये होते हैं शुक्र, ये जो अपने दांत होते हैं ये होते हैं मंगल, काटते हैं अपने खाने को काटते हैं, इसलिए ये मंगल ग्रह होते हैं। अब राहु को शुक्र के बीच में लेके आते हो और दांत से दबाते हो तो इससे शुक्र ग्रह खराब होता है, राहु के ऊपर शुक्र घट जाता है। कि ऐसा बच्चा माँ बाप का धुआं निकालता है, ज़िंदगी में कभी सेटल नहीं हो पाता, ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाता, जो अपने नाखून चुभाते हैं। आप बताइए मुझे, मिलनी थी ऐसी बातें। चलो अभी तो बहुत सी बातें हैं ऐसी, ऐसी बातों का भंडारा है मेरे पास। जितनी भी आप, अगर आप पैर अपना चलते वक्त चाल, हमें तो चाल से ही पता चल जाता है ये इंसान कहाँ जाने वाला है। अगर कोई इंसान चाल ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे पैर बार को करके चलता है, वो बच्चा भटकने वाला होता है, दूसरों की बातों में आता है और दूसरों को लेकर भाग जाता है, यानी कि भटकने वाला बच्चा, बाहर को पैर होता है उसका, वो बच्चे गलत होते हैं। चलो उसको भी ठीक करना चाहिए, क्या, क्योंकि मेरी बातें सुनोगे तो सीधा पैर करेंगे, बाहर पैर करना बंद कर देंगे। ऐसे कि ऐसा ही क्यों, क्योंकि पैर को हमेशा अगर बाहर रखोगे तो बाहर ही जाओगे, ये तो सिंपल सी बात है, ये नहीं समझ आ रही आपको। अरे भाई सोने में कैसा होता है, अगर आप अपने काली चादर, काली आपके ब्लैंकेट अपना कंबल होगा काला ही, आपकी चादर होगी, पर्दे भी आपके काले नीले होंगे, तो ऐसे बंदे की नींद चैन जो होता है कारका होता है चंद्र, चंद्र खराब हो जाता है नींद का कारका। क्यों, अरे भाई सोते वक्त आंखों की जो पुतलियां होती हैं वो नीचे करके सोते हैं, ऊपर से मुंह के ऊपर काला कंबल या काली चादर या नीली चादर, डार्क चादरें जो यूज़ करते हैं, उसका भी चंद्र ग्रह खराब होता है, जो मन का कारका है। शुक्र को मुंह के ऊपर, जो जो स्किन होती है हमारी, जितनी भी स्किन बॉडी होती है ये शुक्र ग्रह होती है। जब कभी शुक्र की प्रॉब्लम आती है यानी कि स्किन की प्रॉब्लम आती है तो कौन सा ग्रह खराब होता है, शुक्र ग्रह। जब किडनी की प्रॉब्लम आती है तो कौन सा ग्रह खराब होता है, शुक्र ग्रह। अरे भाई किडनी की प्रॉब्लम है, वाइट चादर ही यूज करनी शुरू कर दीजिए, प्रॉब्लम आधी हो जाएगी। देखिए एक वाइट चादर लेने से आपने अपने घर की किडनी की प्रॉब्लम दूर कर ली। देखिए कितने आसान उपाय होते हैं, हम अपनी जिंदगी में क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं और उपाय कहते थे हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें पाप कहाँ से लग गया, मैं तो किसी का भला करती रहती हूँ, मैंने तो किसी का बुरा ही नहीं किया, मैंने किसी का बुरा ही नहीं किया तो मेरे को ऐसा दंड कैसे मिला। मान लीजिए अगर कोई नौकर ही आपने घर पे रखा है, नौकर को दिन रात डांटते रहते हो, दिन रात डांटते रहते हो, तो आपने अपना शनि ग्रह खराब कर लिया। शनि ग्रह होता है ग्रहों का राजा, जज, ग्रहों का जज, जो ग्रहों को चाल चलवाता है अच्छे और बुरे की, वो है आपका नौकर।
आपने आपके नौकर को खराब कर दिया, नौकर को गाली निकाली, नौकर को कुछ दिया नहीं, तो वो क्या होगा, शनि ग्रह खराब हो जाएगा। या तो नौकर रखिए ना, अगर रखा है तो समझा के रखिए, डांटिए ना बार बार, आप बार बार डांटते हो तो। जितने भी एम्प्लॉय होते हैं आपके, वो शनि ग्रह होते हैं, उसको प्यार से रखिए, बस शनि ग्रह ठीक हो गया आपका, आपकी जजमेंट ठीक हो गई। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं, मेरे पास तो बातों का भंडार है, बोलता रहूं। कुछ लोग कहते हैं प्रोफेसर साहब आप ना आधे घंटे का प्रोग्राम है ना, हमें मज़ा नहीं आता, कम से कम एक घंटे का तो करो ना। मैंने कहा भाई जब बोलता हूँ तो बोलते ही बंद हो जाती है, ऐसे नहीं कि एक घंटा बोलना पड़े, आप बोलिए आपको पता चले कितना बोलना पड़ता है, लेकिन मैं तो 5 घंटे का भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन समय होना चाहिए मेरे पास आपको समझाने के लिए। भगवान कहता है तू जितना बांटेगा उससे दुगना मैं तुझे दूंगा, ऐसे ही नहीं पुरानी किताबों में लिखा गया था, कहता है ज्ञान जितना बांटने से बढ़ता है, लेकिन आजकल के ज्योतिषी पता क्या करते हैं, ज्ञान बांटते नहीं हैं, ज्ञान को बिल्कुल दबा के अपने पास, एक तो होता 2% है, 100 में से सभी पूरी दुनिया में 5-10% के ज़्यादा किसी के पास नहीं है, मेरे पास भी इतना ही है, मेरे पास भी ज़्यादा नहीं है, मैं नहीं कहता कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, मेरे पास तो इतना भी नहीं है, लोगों के पास ना 5-7% ज्ञान होगा, वो भी दबा के रख लेते हैं, मैं नहीं बताऊंगा। और जो आपने मटका भरा हुआ था उसको खाली ही नहीं किया तो और उसमें क्या चीज़ डलेगी बताओ मुझे। ये पुराने पंडितों की सोच थी जो इतनी बड़ी ज्योतिष अपने साथ ही लेकर मर गए, आगे किसी को दिया ही नहीं, आगे ये ज्योतिष का ज्ञान किसी को दिया ही नहीं। ज्योतिष का ज्ञान इतना गहरा ज्ञान था, इतने पुराने पंडित ज्योतिषी थे हमारे, जो के इंसान अभी आया भी नहीं, जैसा कि मैं अपने ऑफिस में बैठता हूँ सुबह जाके, मैं क्वेश्चन कुंडली लगाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं पुराने ज्योतिषियों की तरह करता हूँ। पुराने ज्योतिषी भी ऐसे करते थे कि जन्म कुंडली पहले बना लेते थे जब वो अपने ऑफिस में बैठते थे, उसका वर्णन किया करते थे आज मेरे पास कौन कौन इंसान आने वाला है, देखिए पहले से ही वो जब निकालते थे तो कहते थे एक लेडी आने वाली है ब्लैक कपड़े डाल के, उसको ऐसा ये बीमारी होगी, अभी लेडी आई नहीं, अब वो आएगी या नहीं आई, पहले से ही पुराने एस्ट्रोलॉजर बता देते थे हमारे पास आज एक औरत आएगी ब्लैक कपड़े डाल के, उसके पति के द्वारा उसको दुख मिलेगा, वो अपना दुख लेकर अब मेरे सामने आएगी। देखिए अब हमारे ज्योतिषी ऐसे होते थे, लेकिन आजकल ज्योतिष कहाँ गई, ना वो ज्योतिषी रहे ना वो ज्योतिष रही, बस लूटने वाले बैठे, 70,000 की पूजा करवा लो, 5 लाख की पूजा करवा लो, 1.5 लाख की पूजा करवा लो, बस यही पड़े, आजकल तो यही ज्योतिष रह गई है, आजकल वो ज्योतिष खत्म हो चुकी है, जो ज्ञान की ज्योतिष, जो ज्ञान की गंगा थी वो खत्म हो चुकी, किसी इन जैसे ज्योतिषियों के वजह से जो जो बैठे अपने घर में किसी को कुछ दे ही नहीं रहे, किसी को टीवी पे के ऊपर ये नहीं बता रहे अरे भाई आप सो रहे हो, आज सोमवार है, सोमवार का दिन, आज चंद्र का दिन है, चंद्र का दिन है, भोले शंकर के आगे माथा टेकिए, भोले शंकर के आगे माथा टेकने से क्या होगा, चंद्र ग्रह ठीक होगा, चंद्र ग्रह कब ठीक होगा, 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच बीच में अगर माथा टेकोगे। चलो जी अब इसके पीछे क्या रीज़न है, मैंने बताया था 3 बजे से लेकर 6 के बीच में ही क्यों, चलो इसके पीछे ही बता देता हूँ। कहते हैं जब कभी आप शिवलिंग को जल चढ़ाते हो, शिवलिंग को जल कब चढ़ाना चाहिए, 3 बजे से लेकर अगर आप 4 बजे के बीच में जल चढ़ाते हो, जल होता है पानी, पानी आप सिंपल पानी आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हो 3 से लेकर 4 बजे के बीच में, तो वो अमृत लगता है, ध्यान से सुनिए, वो लगता है अमृत जो इंसान शिवलिंग के ऊपर 3 से लेकर 4 के बीच में चढ़ाता है। जो जल सिंपल 4 से लेकर 5 के बीच में चढ़ाता है तो वो दूध लगता है कि दूध चढ़ाया है, आपने बाल्टी भरिए और पास में रखिए, 4 से लेकर 5 के बीच में आप चढ़ाइए तो वो जितना भी चढ़ाओगे वो दूध की तरह लगेगा, और 5 से लेकर 6 के बीच में चढ़ाओगे तो वो सिंपल जल लगेगा, चाहे बाल्टी भर भर की दूध की चढ़ाओ वो सिंपल जल लगेगा, 6 बजे के बाद में चढ़ाओगे तो कुछ भी नहीं लगेगा, वो दुख लगेगा।
लेकिन हम जाते हैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे। अरे आजकल के ब्राह्मण कहाँ ब्राह्मण रहे, उठते ही नहीं। पहले ब्राह्मण हुआ करते थे, 2 बजे उठ के स्नान करके और पहला पैर, तब मंदिर खोलते थे, घंटी मारते थे 3 बजे, टन की आवाज़ आती थी, मंदिर खुल गया है। आजकल 6 बजे तक मंदिर नहीं खुलते, बेचारे लोग बाहर खड़े होते हैं, मंदिर का भाई पुजारी मंदिर खोले। अब कैसे समझाए इन सबको भी ऐसे करने से क्या होता है, इन बातों का कौन ज्ञान देगा। मैं तो भाई ज्ञानी नहीं हूँ, जो मैं बातें बता रहा हूँ जितनी बातें मेरे को पता है मैं तो वही बताऊँगा, लेकिन ये जो लोग दबाकर बातें रखते हैं, किसी को बताते नहीं हैं, वो उतने में ही सीमित रहते हैं। फिर भगवान कहता है अरे तेरे को इतना ही दिया बस, उससे आगे तेरे को नहीं मिलेगा। इसलिए सोचना चाहिए इंसान को कि इंसान को देने से बढ़ता है, कम नहीं होता। एक इंसान के पास मैं पहल गया, बहुत गरीब था वो इंसान, जुत्ती को गंड लगा रहा था। मेरी आदत है मैं हर इंसान के पास जाता हूँ, हर इंसान के पास जाता हूँ। मैं कुदरती वहाँ पे गया और वो बोल रहा था खुशी बांटने से बढ़ती है। मैंने कहा कमाल की बात है, आज तक तो मैंने सुना है दुख बांटने से कम होता है, खुशी बांटने से बढ़ती, ये पहली दफ़ा सुना। मुझे थोड़ा सा समझाइए मुझे, क्योंकि मुझे आदत है तर्क करने की, मुझे आदत है बरीकी में जाने, क्योंकि मैं बरीकी में जाता हूँ तो मेरी भी यही सोच होती है कि मैं बरीकी में जाऊँ और आपको समझाऊँ। कहता है खुशी बांटने से बढ़ती। मैं कहा मुझे समझाइए भी खुशी बांटने से कैसे बढ़ती है। कहता है बाबूजी मान लीजिए आपकी 5 करोड़ की लॉटरी निकलाई। मैंने कहा ठीक है, आपने 5 करोड़ में से 5-5 लाख रुपया अपने रिश्तेदारों को बांट दिया, अभी मेरे को मेरे पास बहुत पैसा आ गया, अभी आया है, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले। मैंने कहा ठीक है। कहता जब कभी दुख आएगा उन पांचों में से, जिस पांचों को तुमने दिया, एक बंदा आपकी खुशी संभाल के रख लेगा, वो जब कभी दुख आएगा वो खुशी आपकी देगा। इसलिए खुशी बांटने से बढ़ती है, दुख बांटने से कम होता है। वो किस लिए, एक मोहल्ले में हमारी लेडी थी, उसको कैंसर था, उसके पांव फूलने लगे। मैंने कहा यार ये लड़की बेचारी कैसी थी और कैसे होगी, उसने बताया नहीं, उसके घर वाले ने बताया नहीं बिल्कुल भी। जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, बिजली लग गई, इलेक्ट्रिसिटी लग गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, तब बताया मुझे। कहता कैंसर थी, अब 2 दिन रह गए, उसके बाहर नहीं निकली। मैंने कहा क्या हुआ, कहते कैंसर थी अब तो ख़त्म, बस 2-4 दिन रह गए, हम सेवा कर रहे हैं, घर में जब बेचारी लेटी पड़ी थी। मैंने कहा भाई किसी को बता देते तो वो कुछ हल आपको बता देता कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, किसी के पास जाइए वो आपका दुख कम हो जाता, किसी को आप बताओगे नहीं तो आपका दुख कैसे कम होगा। मान लीजिए मेरे को बताता, मैं 4 उपाय बताता, मान लीजिए मैं ये भी बताता भी हिमाचल में या यहाँ पे एक जड़ी बूटी देती है उससे कैंसर की बीमारी दूर हो जाती है, वो बंदे पास बताता, वो बंदा बताता भी उससे ये ठीक होता है, अरे भाई आप किसी को बताओगे नहीं तो हल कैसे होगा। लेकिन ऐसे ही नहीं बुज़ुर्गों ने हमारे ने बातें बना रखी सारी, ये पुरानी बातें हैं सभी। कहते हैं दुख बांटने से कम होता, कोई एक इंसान बता देता है भाई वहाँ जाइए, आपको क्या लगता है कि जो मेरे पास लोग आते हैं वो मेरा प्रोग्राम देखते हैं, कभी भी नहीं। मेरे पास पता कौन आता है, जो आप लोग आगे बताते हो भी जाइए प्रोफेसर साहब के पास जाइए। मैं बोलता हूँ, मैं जितने भी लोग मेरे पास आते हैं मैं पूछता हूँ हाँ जी मेरा प्रोग्राम देखते हो, नहीं नहीं मैंने तो नहीं कभी देखा प्रोग्राम। मैंने कहा फिर मेरी मौसी ने आपके पास भेजा है, कुछ बोलता है मेरी चाची ने भेजा, कुछ बोलता है किसी मेरी मम्मी ने भेजा है, मेरे बुज़ुर्ग देखते हैं प्रोग्राम उन्होंने भेजा है, कुछ पता नहीं कौन कौन से लोग आते हैं जो आगे से भेजते हैं। मैंने कहा अगर मेरा प्रोग्राम देखते तो मेरे पास शायद आने की ज़रूरत ही ना पड़ती। कहते हैं नहीं आपके पास आए हैं तो भगवान अच्छा ही किया है। मैंने कहा पिछले जन्म का देने होंगे पैसे मेरे को, वो आके दे रहे हो तभी उधार हो रहा है। इसलिए मैं ये भी बोलता हूँ कि क्या पता भगवान ने जो दुख लिखा है वो किसी को जो देना है पिछले जन्म का वो दे के ही दुख खत्म हो। अब मैं ये नहीं बोलता कि आपके भाग्य में दुख लिखा है, आपने मेरे पिछले जन्म का देना है तभी अपॉइंटमेंट फिक्स करोगे। अरे भाई किसी के पास भी जाइए, अगर दुख लिखा है तो दुख कम भी होता है, बहुत आसान होते हैं उपाय और बहुत आसान सी बातें होती हैं घरेलू जो चलती हैं। क्या होता है मान लीजिए मैं यहाँ पे बैठ के बातें कर रहा हूँ, अगर मैं बुरी बात बोलूँगा तो मेरा बुध ग्रह खराब होगा, अगर मैं बिना ज्ञान के बोलूँगा, ज्ञान को नहीं समझाऊँगा, आपको अच्छी बातें नहीं बताऊँगा तो मेरा गुरु ग्रह खराब होगा। देखिए तो मैं क्यों गुरु ग्रह अपना खराब करूँ,
मैं क्यों आपको चक्कर में डालूं, जो चक्कर है उस चक्कर से बाहर निकालूं। ये नहीं कि मेरी बातें जलेबी की तरह होती हैं, जलेबी से बाहर नहीं निकल सकता इंसान, वो जलेबी के बीच में जलेबी अंदर घसती जाती है। मैं आपको बाहर निकालना चाहता हूँ, मैं आपको जो बातें बताता हूँ गहरी, उन गहरी बातों में कैसे बाहर निकलना है, तो छोटे छोटे उपाय हैं भाई। क्या उपाय हैं? जूते काले ही पहनने चाहिए, वाइट जूते कम पहनिए, अगर ब्याह शादी पे जाना है तो एक दफ़ा पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई अपर आपका वाइट ही होना चाहिए, अरे भाई तिलक आपने येलो लगाया, वाइट सफ़ेद का लगाना चाहिए, क्या बात, सफ़ेद चंदन और येलो दो ही तक लगते हैं। कई दफ़ा तो मैंने देखा है जो शनिदेव के मंदिर जाते हैं वो राह का टीका, काले रंग का टीका लगा लेते हैं माथे के ऊपर। मैंने कहा वाह, मैंने कहा भोले शंकर के भक्त नहीं लगते आप? नहीं नहीं, हम शनिदेव के पास जाके आए हैं। मैंने कहा काला टीका लगाते हो? क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, कलंक अपने मुँह के ऊपर वैसे ही लगा लेते हो। काला टीका जो होता है ये होता है शनिदेव का, बहुत ध्यान से सुनिए। और जो हमारा फेस होता है ये होता है शुक्र का। काला टीका लगाने से हम शुक्र के ऊपर शनि लगा रहे हैं। जब शुक्र के ऊपर शनि देव लगाते हैं, शुक्र और शनि देव बैठते हैं, तो बड़ी स्त्री के साथ संबंध बनते हैं, बड़े के साथ, तो बदनामी कलंक लगता है, तो आप कलंक खुद ही लगा रहे हो। तो क्या कर सकते हैं हम भाई, समझाना तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर को चाहिए तो समझाना, लेकिन कोई नहीं समझाता, कोई बताता ही नहीं बातें, क्यों बताएं? कितनी प्रोफेसर साहब ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमें पता भी नहीं है कि हम क्या गलत कर रहे हैं। तो मतलब ये एपिसोड तो वाकई में बड़ा एक ऐसा एपिसोड है, क्योंकि कोई भी अगर टीवी पे कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी आपको ज्ञान दे रहे हैं, बहुत बड़े ज्ञानी भी हों, तो वो इस पे बातें नहीं करेंगे। वो इस पे बातें इसलिए नहीं करेंगे, उन्हें लगेगा हमारा एपिसोड ही खराब हो रहा है, ये तो हाँ, इससे तो लोग हमारे पास क्यों आएंगे, ये तो बातें अगर लोगों को घर बैठ के पता चल रही हैं, लोगों को तो आना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि अगर वाकई हम जिंदगी में ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि वाकई ही हमें किसी के पास ना जाना पड़े। बिल्कुल पुनीत जी, मैं तो यही चाहता हूँ कि जो छोटी छोटी बातें हैं उन बातों को ठीक करूँ कम से कम। चलो अपना कहते हैं ना, अपना घर ठीक रखो, अरे भाई अपना घर, अपना मोहल्ला ठीक रखो, अरे भाई अपना मोहल्ला नहीं, अपना एरिया ठीक रखो, अरे भाई अपना एरिया नहीं, अपना शहर नहीं, अपना राज्य, अपना देश। मैं तो यही चाहता हूँ अपना देश को ठीक रखूँ, अपने सभी लोगों को ठीक रखूँ। घर को तो ठीक कर रखा है, मोहल्ले को भी ठीक कर रखा है, जो एरिया है उसको भी ठीक कर, जो मेरा पंजाब है उसको भी ठीक कर रहा हूँ मैं, जो मेरे लोग हैं उनको समझा रहा हूँ जीना कैसे है। आपने कुछ लोग कहते हैं मैंने कुछ दुख किए, एक सरकारी अफसर मेरे पास आया, नाम नहीं लूँगा मैं, सरकारी अफसर मेरे पास आया तो वो कहने लगा भाई अब क्या है कि मैंने किसी का बुरा तो किया नहीं, मेरी सरकारी जॉब थी और जो अफसर थे उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। मैंने कहा क्यों किया? नहीं नहीं मैं तो कुछ करता नहीं था ऐसे। ऐसा कुछ भी कभी नहीं होता, कुछ गलतियां होती हैं तब आपके साथ बुरा होता है। जब आप कुर्सी के ऊपर बैठते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर कोई बड़ा आदमी नहीं है, मैं ही सबसे ऊपर हूँ, ये मेरी कुर्सी है। बैंक मैनेजर के पास जाइए वो बोलेगा इसको लोन नहीं देना या इसको कुछ करना या ऐसे, अपनी मर्जी चलाते हैं। तो उसका कौन सा ग्रह खराब होता है? मंगल। ध्यान से सुनिए, जो प्रजा की बात नहीं सुनता, जो बड़ा अफसर है, बड़ा से बड़ा अफसर भी है, जो छोटे बंदे की बात नहीं सुनता ना, उसका मंगल ग्रह खराब होता है। मंगल पता क्या होता है? रिश्ते नाते, मंगल कार्य। जो बड़ा अफसर लोगों की बात नहीं सुनता, जो बड़ा अफसर रिश्वत लेता है और दूसरों की पैसे से बात करता है, उसका शनि गुरु मंगल खराब होता है, साथ में चंद्र भी। अब देखिए चार ग्रह खराब कर लिए एक बंदे की बात नहीं। अब मेरे साथ कई लोग आते हैं कहते हैं प्रोफेसर साहब, एक लड़की आती है प्रोफेसर साहब मैंने फौजी के साथ शादी करवाई, वो फौजी तो मेरे को रखने के लिए तैयार था लेकिन उसके माँ बाप मेरे को रखने के लिए तैयार नहीं है, पैसा उसके पास बहुत है, वो हर वकील को पैसा दे देते हैं, हर जज को पैसा दे देते हैं, मेरी सुनवाई भी नहीं होती। मैं कहती हूँ मैं घर जाना है, मैंने उसके साथ रहना है, वो कहते हैं हमने इस लड़की को रखना ही नहीं है। मैं जहाँ भी केस डालती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, पैसा खिला देते हैं। तो ऐसा जो जज है क्या वो अपना मंगल ठीक कर पाएगा? क्या अपने घर में खुशियाँ ला पाएगा? क्या जो वकील है, ज़्यादातर वकील क्या करते हैं,
एक का पार्टी से पैसा ले लेते हैं, दूसरी पार्टी को देते नहीं, तो क्या होता है? रिश्वतखोरी भी हर थान पर है, लेकिन कुछ वकील बहुत अच्छे हैं जो समझदार। मेरे पास मेरे दोस्त है वकील, 5-7 दोस्त हैं, वो कहते हैं गुरदीप जी अगर लोगों की आप मदद करते हो ना, हमारे पास भी कुछ केस ऐसे भेजा करिए जिसके पास पैसे ना हो, हम उसका केस लड़ा करेंगे बिना पैसे से। ले देखिए कितने अच्छे वकील हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, जो लोग कहते हैं हम फ्री, उनको मैं फ्री केस देता हूँ, ये लड़की का केस आपने लड़ना है, पैसा नहीं लेना, जो 2-4-5 हज़ार रुपया चाहिए वो मैं दूंगा, लेकिन आपने इससे पैसा नहीं लेना। वो भी फ्री सेवा करते, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन जो रिश्वत लेते हैं, जो ऐसे करते हैं, जो दूसरों के साथ ठगी, क्या वो सुख ले पाएंगे? बताइए मुझे। चलो आज ही आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाए, ध्यान से सुनिए आप मेरी बात, आप हैरान हो जाओगे इस बात को सुन के। आज ही आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो आप क्या करोगे? अरे मेरी भाई घर बनने वाला है, मेरा वह बनने वाला, मेरा ये करने वाला, फटक से सारे पैसे खड़ा हो जाएंगे। अगर आपने अपनी मेहनत का 1-1 रुपया जोड़ कर आपने 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया है, फिर आप ऐसा करोगे? कभी भी नहीं ऐसा करोगे। क्यों? क्योंकि पाई पाई जोड़ कर इकट्ठा किया, आपको खर्चते पता चलेगा भी मैंने कितनी मेहनत से कमाया। और जब भी दूसरे पैसे आते हैं ना, जैसे कोई लोग रिश्वत लेते हैं या कुछ करते हैं, उससे क्या होता है पता? उसके बच्चे खराब होते हैं, मंगल कार्य घर में नहीं होते, खुशी का माहौल घर पे नहीं बन पाता, दुख घर में आ जाता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, वही पैसा किसी दूसरी जगह पे लगता है। ऐसे थोड़ी हैं लोग, ऐसे थोड़ी ना ईमानदार हैं। अगर ईमानदारी हमारे भारत में ना हो, ईमानदारी हमारे हिंदुस्तान में ना हो, ईमानदारी हमारे पंजाब में ना हो, तो कब का ये सब कुछ ख़त्म हो जाता। कुछ ही लोगों ने बचाया हुआ है ये हिंदुस्तान को हमारे, कुछ ही लोगों ने बचाया हुआ है ये हमारे भारत को, कुछ ही लोगों ने बचाया हुआ है हमारे पंजाब को, जो गुरुद्वारों में इतनी सेवा करते हैं, इतने लंगर लगाते हैं, इतने पाठ पढ़ते हैं, जो दिन रात पाठ चलते हैं, जो दिन रात भगवान का नाम लेते हैं, उन्हीं लोगों की वजह से हमारी धरती बची हुई है। नहीं तो 4 अरब साल से ये धरती घूम रही है। तो कौन सी ये शक्ति है? ये वही शक्ति है जो कुछ लोग समझाते हैं आपको। मैं नहीं कहता, मैं समझाता हूँ, मेरे से भी अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग बैठे होते हैं, मेरे से भी अच्छे अच्छे कथावाचक अच्छे बैठते हैं, वो समझाते हैं जीना कैसे चाहिए, कैसे भगवान का नाम लेना चाहिए, कैसे ग्रहों को ठीक करना चाहिए। अरे भाई मेडिटेशन करते हो तो पता कौन सा ग्रह ठीक होता है? चंद्र ग्रह ठीक होता है, जिससे लिक्विड मनी आती है। अरे भाई बुध ग्रह पता कैसे ठीक होता है, बिजनेस कैसे चलता है? अरे भाई बुध ग्रह तब ठीक होता है जब आपका गला ठीक होता है, नाक को साफ करके रखते हो, अपनी पर्सनैलिटी निकाल के रखते हो, अपने बहन बुआ मासी की सेवा करते हो, तो बुध ग्रह ठीक। हमेशा हर ग्रह के बारे में बताते हैं, थोड़ा थोड़ा बताते हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे चंद्र ग्रह की बात की, सूर्य की बात हम बहुत कर चुके हैं, लेकिन अब कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जिनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी बात करते हैं और फिर आगे निकलते जाते हैं। क्यों ना हम कुछ एपिसोड को ग्रहों के केंद्रित कर लें, और क्यों ना ऐसे करें कि अगर चंद्र पे बात हो तो सिर्फ चंद्र पे बात हो, अगर सूर्य पे बात हो तो सिर्फ सूर्य पे बात हो। इससे होगा ये, क्योंकि कुंडली में तो आपके सब कुछ है, आपको एक एक ग्रह का अलग अलग से पता लगेगा और आपको अपना नफा नुकसान खुद से समझ आना शुरू हो जाएगा। और जो समझ में नहीं आता फिर भी मन में कोई शंका है, तो नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, उन पे आप कॉल करें, अपॉइंटमेंट लें, आए प्रोफेसर साहब से मिले। और जब आप प्रोफेसर साहब से मिलेंगे तो यकीन मानिए कि आधे से ज़्यादा सकारात्मक जो है वो आपका रवैया वैसे ही हो जाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो दूर से लोग आते हैं प्रोफेसर साहब, तो बहुत ज़्यादा प्रेम से मिलते हैं उनसे, चाय तो दूर की बात है, खाने की बात तक आ जाती है, क्योंकि बात यह है कि परिवार समझते हैं ये सबको, और जब परिवार की बात आती है तब ये छोटी छोटी बातें नहीं देखी जाती। लेकिन आपको वो बातें देखनी होंगी जो आपने अपने जीवन में जिन आदतों को काबिज करवाना है और किनको नहीं करवाना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ।